Okay, so a very good morning everyone. This is C. Aditya Javar, the founder and director of AJ Classes, CMA Coaching Institute. Good morning students. Today, our topic is OMSM, chapter number 1. First of all, we will see the index first. This is the demo lecture of the CMA Intermediate OMSM. This chapter is very important hai for scoring marks. मोस्ट इजीएस्ट ऑफ ग्रुप टू सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट है पूरे ग्रुप टू के अंदर क्लियर है सबसे ज्यादा आसान सब्जेक्ट पूरे ग्रुप टू के अंदर जिसके अंदर आपका टारगेट मिनिमम से मिनिमम तो पैसठ से सत्तर मार्क्स का इसमें टारगेट होना चाहिए एंड गारंटीड इसमें इतना फॉलो होगा ही होगा ठीक है ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि इसमें इतना फॉलो नहीं हो मार्क्स आई जाएंगे जैसा मैं बोलू बस उतना उतना करते जाओ ओके okay. चेक करते आवाज प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है एक मिनट Hello, 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 okay. ओके सो लेट इटार्ट बाई मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम सी आदित्य जवर सी ए सी एस एंड सी एम ए बाई प्रोफेशन आई एम ए ट्यूटर एंड वी आर द फर्स्ट वन इन द सूरत हु हैव लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट फुल्ली फ्री कोचिंग फॉर सी एम ए इंटरमीडिएट एंड सी एम ए फाइनल आज हमारा जो लेक्चर है वो पर्टिकुलरली ओ एम एस एम का है ठीक है आप ये देखिए ओ जो न्यू सिलेबस के अंदर है उसमें कोई ज्यादा आपका चेंजेस नहीं हुआ सिलेबस 2022 की अगर अपन बात करें सीएमए के अंदर तो इसमें इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर कोई ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है देखिए सेलेबस 2022 के अंदर इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है मेजर छोटा मोटा चेंज हुआ है बाकी मेजर कोई चेंज नहीं हुआ है स्टार्ट करेंगे यहां से तो कोई ज्यादा कुछ आपको समझ में आना नहीं है ये देखो अब इसमें क्या क्या चीजें मैं बता देता हूं पहला नंबर चैप्टर इंट्रोडक्शन है जिसका वेटेज ऑन एन एवरेज पांच मार्क का है ठीक है पांच मार्क का वेटेज ओ का चैप्टर नंबर वन उसके बाद ऑपरेशन प्लानिंग इसमें से फिफ्टी परसेंट थियोरी और फिफ्टी परसेंट जो प्रैक्टिकल चैप्टर है इकोनॉमिक बैच क्वानिटी है ठीक है, है. है इसके बाद अगर अपन बात करें डिजाइनिंग ऑफ ऑपरेशन सिस्टम मोस्टली थियोरिटिकल द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द होल ओ ये वाला पार्ट है मॉड्यूल नंबर फोर मतलब चैप्टर नंबर फोर इन शॉर्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप ये समझ के चलो इसके अंदर आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपको ट्रांसपोर्टेशन है असाइनमेंट है ठीक है शेड्यूलिंग है सिमुलेशन है मतलब इस अकेले चैप्टर का कम से कम भी पकड़े तो 25 मार्क का वेटेज है इस अकेले का पच्चीस मार्क का वेटेज है चार नंबर का क्लियर है आगे चेक करते देखिए ठीक है कंटेंट एज पर दिलेबस उसके बाद प्रोडक्टिविटी ये वाला अगेन चैप्टर है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है देखो शुरू होते ही खत्म हो जाता है उसके बाद अगेन थियोटिकल प्रैक्टिकल चैप्टर है पूरा जिसके अंदर पर्ट सीपीएम है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल ये तो थीरी है पर्टिकुलरली ये पर्ट एंड सीपीएम जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ठीक है इसमें नेटवर्क बनाए जाते हैं एंड बहुत अच्छा टॉपिक है बहुत आसान भी है ठीक है और इसमें से गारंटीड इस पर्टिकुलर चैप्टर में से गारंटीड आपको 10 से 12 मार्क मिनिमम आना है मिनिमम है उसके बाद ये थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत वो है उसके बाद एस तो भैया बहुत आसान है बचपन में सीखा हुआ वही है पूरा का पूरा कोई दम नहीं है इसके अंदर तो चलिए आगे चले गया देखो अब स्टार्ट करेंगे हमारा जो मेन पार्ट है है चैप्टर नंबर ठीक इंट्रोडक्शन के साथ चालू करेंगे इंट्रोडक्शन या था इसको यहां से अब सबसे पहली बात व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओएम ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनीज जो होती है अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन को ये रिमोट बनाना है तो क्या ऐसा सोचा भाई रिमोट बना दो तो बन जाएगा क्या इट टेक्स यूज प्रोसेस लगती है एक रिमोट को बनाने में ठीक है नंबर ऑफ प्रोसेस के थ्रू इसको गुजरना पड़ता है तब जाके एक रिमोट अपने हाथ में आ रहा है आज आपको कार बनानी है फॉर एक्जाम्पल आपको ए बनाना है तो नंबर ऑफ प्रोसेस लगती है जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कुछ हद तक लगती है इस पर्टिकुलर अगर अपन सब्जेक्ट की बात करें इसके अंदर बेसिक मैथ्स आएगा

बेटा देख समझ फॉर एग्जाम्पल टायर है ठीक है रबड़ टायर टायर ठीक है अबे यार ठीक है अपन को ये टायर दिखता है ठीक है लेट से एक एग्जाम्पल ले रहे टायर दिख रहा है अभी टायर डायरेक्टली यूजेबल है अभी ये डायरेक्टली फॉर्म अगर देखा जाए तो यूजेबल ही प्रोडक्ट है ऐसा तो नहीं है कि इसको और आपको कुछ प्रोसेस करना अपने एंड पे एज कंज्यूमर तुमको कुछ करना है तुमको सिर्फ जाके किसको दे देना है मैकेनिक को दे देना है भाई फिट कर दे कर दिया फिट हो गया इसमें कोई दिमाग विमाग तो लगाना नहीं तुम लोगों को ठीक है बट ये टायर क्या डायरेक्टली ऐसे बनाता क्या इसी फॉर्म में आया था क्या डायरेक्ट तुम्हारे हाथ में आंसर इज नो टायर कार टायर रॉ मटेरियल ठीक है चलिए देखते रॉ मटेरियल कैसा है बेटा कार टायर जो रॉ मटेरियल है वो सबसे पहले रबड़ के फॉर्म में आता है ठीक है सबसे पहले रबड़ बनता है उसका रबड़ रबड़ को एक्सट्रेक्ट किया जाएगा कहां से कहा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहां से एक्सट्रेक्ट किया जाता है रबड़ पेड़ से और कहां से निकलता है पेड़ से रबड़ को निकाला जाता है ठीक है फिर रबड़ के अंदर कई सारे देखो तुमको वीडियो दिखाते लाइक बस यूट्यूब का है ये प्रोसेस को समझोगे तो ओएम अपने आप समझ जाऊंगे ठीक है चलो कार हाउ इट्स मेड चलो इसमें चलते हैं अरे यार ये और एक रोल ऊंचा हो जाएगा यूट्यूब का वीडियो नहीं चला सकता वॉइस म्यूट करके चलाता हूँ तो आई थिंक हो जाएगा काम हाँ वॉइस म्यूट करके चलाएंगे नहीं तो क्या है कॉपीराइट का स्ट्राइक आ जाता है आगे मेरा आया हुआ चलो देखो अब ये कार का टायर है सबसे पहले ऐसे नहीं बनता है रबड़ आया रबड़ इस रबड़ के ये ये सब रबड़ के टुकड़े पार्टिकल्स होते हैं ठीक है थीके? इसको पिघाला जाएगा पूरा का पूरा पिघालते है इसको टू एक्स पे कर देते पर। 2X पे ही है। ठीक है इसको क्या करेंगे पिघालेंगे पूरा का पूरा और इस छोटे छोटे देखो इसमें बनाए जाते ऐसे छोटे छोटे ये पट्टों में अभी समझना ये तुम्हारे काम का है क्या अभी जो पट्टा बना तुम्हारे काम का है काम आएगा तुमको कुछ आंसर इज नो तुमको तो बेटा टायर चाहिए फिनिश प्रोडक्ट चाहिए फाइनली इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोसेसेस होती है और ये नंबर ऑफ प्रोसेस को ऑपरेशंस कहते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशन करेंगे और इनको मैनेज करना इस है।, इसको करने को कहता है ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा उठा सको और मिनिमम टू मिनिमम वेस्टेज के साथ वेस्टेज जीरो होना चाहिए अभी टायर है इसमें वेस्टेज जीरो होता है क्योंकि अगर कुछ कटा फटा हुआ उसको वापस क्या कर करते हैं पिघाल देते हैं पिघाल के वापिस रबड़ के फॉर्म में ला रख देते हैं अब इसके बाद इसके अंदर ये पता है ये क्या चीज है तार होते हैं टायर कभी भी देखना उसके अंदर तार डाले जाते हैं अंदर तार कभी टायर फटा है तुम्हारा पटा है मेरी गाड़ी का टायर फटा मैं मरते मरते बचा था उस दिन ठीक है बीच चलती सड़क पर टायर पड़ गया था खैर तो अंदर से, से तार निकले थे इतने सारे टायर को मजबूती देने के लिए अंदर तार डाले जाते हैं अभी तुमको तो पता नहीं चलता तुमको लगता है ओनली रबड़ है अंदर बल्कि इतने बड़े बड़े तार होते हैं ये तार डाले ये भी एक ऑपरेशन है देखो कितने सारे डाल दिया उसके अंदर दिख रहा है उसके बाद इन सारे टायर को मर्च करा जाता है मतलब वो जो छोटे छोटे पट्टे काटे थे उन सभी को मर्च करते हैं रोलर के ऊपर देखते जाओ अब ये क्या है ये लाइन डाली उसके टायर के ऊपर लाइन जो आती है वो कलर मारा उसको ये तार डालना शुरू ये रिम्स छोटी छोटी कटिंग हो रही है फिर धीरे धीरे इनको मर्ज किया जाएगा एक साथ जैसे पर्टिकुलर टायर की अगर अपन बात करें तो टायर ऐसे नहीं बनता है टायर के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लेयर है ऐसी कम से कम दस लेयर होती है। तब जाके फटता नहीं है अंदर दस लेयर होती है इसके अंदर पूरी डाली जाएगी इन शॉर्ट कहने का मतलब मेरा इतना सा है कि पूरा का पूरा क्या है ऑपरेशन है ऐसे हजारों करोड़ों प्रोडक्ट बनते हैं सभी के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस लगती होगी ये मोबाइल बना रहे अपन तो जरूरी है मोबाइल तुम्हारे हाथ में आया डायरेक्टली नंबर ऑफ प्रोसेस लगती है इसके नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड उसको मैनेज करना इज ऑपरेशन मैनेजमेंट ठीक है ये अपन अगर फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन की बिल्डिंग बना रहे कौन सा काम पहले शुरू करना है वो इंपॉर्टेंट है समझना बात को सबसे पहले मैं कलर स्टार्ट कर सकता हूं क्या सबसे पहले कलर स्टार्ट कर दिया कलर सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगा सर उससे पहले आपको फिनिशिंग करनी पड़ेगी उससे पहले आपको घसाई करनी पड़ेगी उससे पहले आपको ईंटे से प्लस्तर मारना पड़ेगा प्रोसेस होगी नहीं तो वेस्टेज हो जाएगा आपने कलर करा अरे यार शिट, मैं तो वो यार, यार लगा नहीं भूल गया प्लास्टर करना भूल गया लेवल ला। लेवल पे काम ही नहीं आएगा वो तो हर चीज की एक प्रोसेस होती है बस वही चीज आपको कौन सिखाता है ऑपरेशन मैनेजमेंट सिखाता है ऑपरेशन मैंने अच्छा तुमको 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 समझाता है समझना पॉइंट को एकदम क्लियरली अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुमको समझा रहा हूँ एक प्रोसेस फॉलो करूंगा अभी मैं तुमको शुरुआत से ही बताऊं कि आ, पर्ट का मतलब क्या होता है सीपीएम का मतलब क्या होता है क्रिटिकल पाथ मेथड तुम बोले सर बड़ा ही क्रिटिकल है तो समझ ही नहीं आ रहा है ठीक है क्यों क्योंकि उसकी प्रोसेस पहले मेरे को समझाना पड़ेगा कि ओएम का मतलब क्या है ओएम किन किन चीजों में डील करता है ओएम बेटा टेंजिबल प्रोडक्ट में डील करता है टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन और टच जैसे बेंच है टायर है लैपटॉप है ये सब क्या है जिसको अपन छू सकते हैं देख सकते हो टेंजिबल प्रोडक्ट में डील प्लस इनटेंजीबल सर्विस है जैसे मेरी सर्विस है मैं तुमको एक प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगा पूरा का पूरा कोई भी फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन का काम करना है आर्किटेक्ट अपनी सर्विसेज देता है तो डायरेक्टली वो ऐसे शुरुआत नहीं करेगा जो लास्ट वाली सर्विस है वो एक पैटर्न फॉलो करेगा ठीक है सब्जी बनानी होती है ना प्रोसेस होता है उसके अंदर भी चाय बनानी प्रोसेस होता है बोले सर चाय बनाई सबसे पहले हमने दूध डाल दिया उसके बाद सीधा अदरक डाल दिया गरम गर अदरक डाल दिया बेटा चाय फट जाएगा तुरंत ही शुरुआत में उसका एक प्रोसेस है कि आपका उफान आएगा उसके बाद ही आप उसके अंदर चाय डालो अदरक डालो तो प्रोसेस होती है हर चीज की अब आता है कि किन किन जैसे प्रोडक्ट सेंट्रिक। नंबर सपोज मदरबोर्ड लगता है स्पीकर लगता है, लगता है। बेटा, तुमको, तुमको बाद में अल्टीमेटली फोन मिल रहा है उससे पहले तुमको हजारों चीजें देखनी पड़ रही है तुमको फोन तो सबसे एंड प्रोडक्ट मिल रहा है उससे पहले हजारों चीजें उसके अंदर जोड़ी जाती है सबकी एक सोल्डरिंग की जाती है इवन स्पीकर फिर असेंबल किया जाता है उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट किया जाता है एंड फाइनली जब सब स्टेजेस में पास हो जाता है तब उसको बाहर निकाला जाता है ताकि कस्टमर को अभी तुमको आता है कि फोन बनाना कार बनाना तुमको आता है नहीं आता है, तुमको चलाना आता है बट कार के अंदर हजारों प्रोसेस होती होगी तब जाके कार बनती है अरे यार दो मिनट के लिए थोड़ा रुकना आप पढ़ो तब तक पॉइंट क्या लेकर पढ़ो ना जरा background <laughs>

बेटा वो डायरेक्टली तेरे को सब्सक्रिप्शन लिया हो तो डायरेक्ट एंड प्रोडक्ट है उससे पहले नेटफ्लिक्स वाले ने कम से कम पचास प्रोसेस की होगी ठीक है डीलिंग मेकर राइट खरीदने पड़ेंगे तेरे को मूवी के तब जाके तुम नेटफ्लिक्स पे उसको दिखा सकते हो तो राइट्स खरीदा मूवी को डेटा बेस पर अवेलेबल करवाना पड़ेगा ठीक है और कभी भी ध्यान रखना जो मूवी होती है आज नॉर्मल बात को समझना एकदम ठीक है अपन अगर नॉर्मली एग्जाम्पल समझना अगर मैं नॉर्मली एक कोई मूवी को, को, को आ, वीडियो रिकॉर्ड करा अपने फोर के में वीडियो रिकॉर्ड करा तेरी दो मिनट की क्लिप है ना वो दो जीबी की जाती है दो से तीन जीबी चली जाएगी फोर के अंदर जाती है सोचो जो तीन घंटे की मूवी है फोर के में रिकॉर्ड होती है ऑलमोस्ट एक हजार अस्सी हाई एंड कैमराज पे ठीक है हाई एंड कैमराज पे रिकॉर्ड होती है उसके बाद वो तो अपलोड होती है नेटफ्लिक्स या यूट्यूब के ऊपर तुम्हारी जो नॉर्मल वीडियो होती है ठीक है जो तुम कैमरा पे रिकॉर्ड करते हो ना अपने नॉर्मल मोबाइल्स के ऊपर वो 10 10 जीबी पे चले जाते हैं अगर आप 10 15 मिनट का रिकॉर्ड करो कोई वीडियो को लेकिन अगर तुम यूट्यूब पे मूवी देखते हो एक हजार पे या फोर पे भी एक हजार पे तुम देखते हो तो वो तुम्हारा एक से डेढ़ जीबी दो जीबी में पूरा मूवी कवर हो जाता है ऐसा कैसे पॉसिबल होता है क्योंकि फाइल को ह्यूज लेवल पे कंप्रेस किया जाता है बहुत ह्यूज लेवल विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी क्वालिटी वही एग्जैक्ट डॉट बट कंप्रेस कर दी जाती है फाइल को इतनी एक्चुअली जो मूवी होती, हो होती, हो होती 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 होगी होगी वो कितने टीबी टीबी में में इतने है नेटफ्लिक्स पे YouTube पे या जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पे लाते हैं ताकि आपका डेटा कंजम्पशन ज्यादा ना हो नहीं तो पता चले दो मिनट में खत्म डेढ़ जीबी मूवी तो का क्या करोगे फिर तो पूरी मूवी देख नहीं पाओगे तो उसको कंप्रेस किया जाता है वो सर्विस है वो एक ओ है ऑपरेशन है वो बहुत बड़ा ठीक है उसको नेटफ्लिक्स वाला करेगा वहां पर ठीक है मेक द मूवी अवेलेबल अरेंजिंग फॉर लाइव स्ट्रीमिंग ठीक है और भी मतलब इन शॉर्ट बहुत सारी प्रोसेस करता है तो ये प्रोसेस जिसको मैनेज करता है चाहे 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 टेंजिबल टेंजिबल सर्विस हो चाहे इन, चाहे हो चाहे हो प्रोडक्ट इनटेंजिबल चीज दोनों के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें करके बता रहा है तब जाके ऑपरेशन मैनेजमेंट के काम शुरू होते हैं कभी भी ध्यान रखना आप सब्जेक्ट चालू करते हो पढ़ना ठीक है ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट आप सब्जेक्ट चालू करते हो तो सब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट मत पढ़ो कभी कि यार ये मार्क्स लाना है मेरे को तो जैसे जैसे मार्क्स तो लेके आ जाऊंगा ठीक है इसके पीछे के बेस के पीछे जाओ की ओएम का रियल में मतलब क्या है कैसे रियल लाइफ प्रोडक्ट में वो काम आता है इसकी वजह से मैं ज्यादा ज्यादा दे रहा हूं, लाइव चीजें चीजें दिखाऊंगा दिखाऊंगा अभी तो बहुत तो बहुत सारी इससे क्या मिलेगा आपको सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि एक एक चीज तुमको एग्जाम्पल याद रहेगा कि टायर का दिया था टायर का मैन्युफेक्चर अपन ने देखा था पूरा नंबर ऑफ प्रोसेस लगती है उसके अंदर तो ओ एम उससे कहते हैं ठीक है अब यहाँ पे ओएम का पूरा का पूरा सा डायग्राम क्यों समझा है ये एक सिक्वेंसियल मैनर में होता है सबसे पहले फॉर एग्जांपल तुम क्या खा रहे हो गुलाब जामुन खाने का तुमको नहीं गुलाब जामुन बहुत खाया अपन ने यार ठीक है रसगुल्ला खाते है बस रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ला तुमको डायरेक्टली ऐसा लिया ये दिख रहा है तुमको रसगुल्ला दिखना चाहिए नहीं दिखेगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा दिख रहा है वैसे अपन को दिखना क्यों जरूर अपने पास तो साक्षात है रसगुल्ला मेकिंग बड़ी कंपनी जब अबे रेगुलर मेकिंग नहीं रहे मेकिंग ठीक है इंडस्ट्री में देखना है चलो कोई बात नहीं फिलहाल अपन सबसे छोटा वीडियो कौन सा चलो ये है एक बार दिखाता हूं क्या क्या करना है अरे यार एड बहुत आते है रे प्रोसेस को समझना कैसे इनपुट अल्टीमेटली जाके आउटपुट अभी ये देखो ये क्या है ये एंड प्रोडक्ट है जो तुम सीधा निचोड़ोगे ऐसे और खा जाओगे एंड प्रोडक्ट है बट इस एंड प्रोडक्ट को बनाने में कितनी सारी मेहनत लगी होगी ठीक है आ हा निकाला ऐसे आ हा अब केसर कौन डालता है यार रसगुल्ले पर पूरा मूड खराब हो गया ठीक है सो चल भाई आगे चल अब ये देखो ये प्रोसेस आया ये दिस इज इस व्हाट, इसको क्या कहते हैं रॉ मटेरियल है, है। दूध इज द रॉ मटेरियल फॉर रसगुल्ला तो दूध आया अभी दूध को क्या करेगी पता है उबालेगी पूरा उबाल लेगी उफान आ जाएगा और उसके बाद इसके अंदर नींबू डाल देगी ठीक है पहले नहीं डालती बाद में डालती देखो आया विनायकर डाल रही है ये डाला ये पड़ गया दूध पूरा ये होता है छेना ये छेना बना छेना बनने के बाद वो क्या करेगी इसको छान लेगी कपड़े में फिर इसके अंदर से पूरा जो पानी है वो निकाल लेगी ये देखो ये पानी पता है इसको इसको क्या कहते हैं तुमको पता है ये चीज वेट गेन करने में बहुत काम आता है पानी वे प्रोटीन कहते हैं इसको सस्ता तुम जिम में जा जा के खरीदते हो डब्बे वे प्रोटीन के ये डायरेक्ट वे प्रोटीन है इसको सीधा पी जाने का बेकार स्वाद आता है लेकिन शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है ठीक है चलो फेंकने का नहीं इसको ये बांध के रखेगी आधा एक घंटा इसको बांध देगी इससे क्या पानी पूरा टपक 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 गिर जाएगा फिर अंदर छेना बचता है सेम इज द प्रोसेस फॉर द तो पनीर एज वेल ठीक है ये डाला किया उसके बाद इसको अच्छे से ऐसे क्या कर रही है मिक्स कर रही है जो भी कहते हैं इसको ठीक है उसके बाद इससे ये करते है? ये, ये क्यों करते? प्रोसेस का दाना, तो दाना 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 लेकिन इसको ऐसे ऐसे करने से क्या होता है उसके अंदर एक भी जो दाना होता है वो खट... नहीं तो रसगुल्ला जब डालते हैं उसके अंदर चाशनी में उबालेंगे तब तो फट जाएगा सारा ठीक है तो इसने ऐसे पूरा अच्छे से कर लिया इसको सर्कल गोल गोल कर दिया उसके बाद इसने डाला यहाँ पे पानी इलायची शक्कर डालेगी चाशनी बनाएगी चाशनी एक तार की जब होती है तभी डालने का वो भी एक प्रोसेस है वो भी ऑपरेशन है मतलब आप अगर दो तार की मतलब इस टाइप की चाशनी की वजह से तार नहीं बन रहा यूं करके आप डाल दोगे तो रसगुल्ला फट जाएगा प्रोसेस है तुम तो सीधा रसगुल्ला देखते भाई साहब उसके अंदर बहुत लंबी प्रोसेस होती है तब जाके ऑपरेशन को हैंडल करना पड़ता है अरे मजा ऐसे ही आता है रे इतना अपन को खाने में मजा आता है बनाने का बहुत दिक्कत वाला काम है देखो आहा गोल गोल गया इसने अभी ऐसे ऐसे करेगी इसको ठीक है उसके बाद गोल होने पर एक भी लम्स नहीं होना चाहिए इसका ध्यान रखना चाहिए मतलब बीच में दाना या क्रैक कुछ नहीं होना चाहिए इधर तो रसगुल्ला फट जाता है मुझे इतना नॉलेज कैसे है मैंने बनाया है इसलिए मुझे पूरा पता है घर पे बनाता हूं मैं ठीक है मेरी कुकिंग भी एकदम जोरदार है <laughs> ठीक है सो देखो इसके अंदर डाला अब यहाँ पे समझना रसगुल्ला पता है जब इतना अगर आप बनाते हो ना तो पानी के अंदर जाने के बाद चाशनी को इतना बड़ा हो जाता है मतलब डबल साइज हो जाता है उसका रसगुल्ला पहली बार में बहुत आसानी से बैठता नहीं फट जाते रसगुल्ले तो तीन चार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो रसगुल्ला बैठ जाता है उसके बाद पांच मिनट लो मीडियम हाई फ्लेम पे जो है करते रहने का बीच बीच में ऐसे हिलाते रहने का ठीक है ऐसे करा साइज बड़ा हो गया उसके बाद हो गया फिर तो काम खत्म हो गया फिर ठंडा होने दो इसको स्प्रिंकल करो बढ़िया ये प्रोसेस है मतलब रॉ मटेरियल से लेकर पूरा प्रोसेस को समझो कि रॉ मटेरियल आया था दूध ठीक है शक्कर उसके बाद उसको कन्वर्जन क्या डब्लू आई पी जब वो तुम ऐसे ऐसे करे थे ना दैट वॉज डब्लू आई पी नॉट द रॉ मटेरियल राइट नाउ बिकॉज द प्रोडक्ट हैज बीन कन्वर्टेड इन दू द वर्क इन प्रोग्रेस एंड वर्क इन प्रोग्रेस अल्टीमेटली लास्ट में प्रोडक्ट बनता है फिनिश प्रोडक्ट के रूप में ठीक है तो फिनिश प्रोडक्ट तुम्हारे हाथ में है लेकिन उसके पहले हजारों प्रोसेस लगती है क्लियर है

अरे यार क्या खाया रे हट बेकार प्रोडक्ट है मिला सेटिस्फेक्शन ऑपरेशन इसका मतलब सही नहीं था तेरा तो उसको क्या मिला अभी फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एम सिखा रहा हूँ ठीक है तुमको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है जो भी दो पॉइंट हो सकते हैं या तो समझ आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा नहीं आ रहा हो इसका मतलब मेरे में हो सकता है समझाने में कोई खामी होगी ठीक है और अगर समझ आ रहा है इसका मतलब मैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ प्रोसीड कर रहा हूँ धीरे धीरे ठीक है, कस्टमर सर्विस इज द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट दैट मीन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है ऑपरेशन बोले कस्टमर सर्विस अपना कस्टमर सेटिस्फाइड होना चाहिए आईफोन का कस्टमर सेटिस्फाइड है उससे

मैंने तुमसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर रसगुल्ला पचास रुपए का लिया फिफ्टी रुपीज का रसगुल्ला लिया प्रोडक्ट जोरदार मतलब ऐसा खाया एकदम ऐसा डाला और पिघल गया वो तो मजा आ गया तुमको कस्टमर सर्विस दि, सेटिस्फेक्शन दिया उसने कॉस्ट ने तुमको कस्टमर सेटिस्फैक्शन दिया पचास रुपए का था वो इतना सा तो उसकी कॉस्ट ने तुमको कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं दिया

दस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैन बी सेटिस्फाइड प्रोवाइडिंग द राइट थिंग्स एट द राइट प्राइस एट द राइट टाइम अंडरलाइन अगेन हाईलाइट करना जरूरी है ठीक है मतलब कस्टमर को सही चीज सही समय पे और सही दाम पे देना जरूरी है तो कस्टमर सेटिस्फाई होता है अदरवाइज कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप समझ जाओ कि कस्टमर के अंदर ये सारी चीजें कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ओके नाउ एस्पेक्ट्स ऑफ द कस्टमर सर्विस में क्या आता है तो इसमें प्राइमरी कंसिडरेशन है और इसमें अदर कंसिडरेशन है ठीक है हेलो ओके ठीक है So, अभी प्रिंसिपल कस्टमर है wants, supply, service, चार तुमने बोला रसगुल्ला मेरे को इतना बड़ा चाहिए आंसर तो इज उतना होना चाहिए पहला नंबर तो है तुमने सामान मंगवाया तुमने होटल गए होटल के अंदर फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट के अंदर तुमने प्रोडक्ट मंगाया बोले भैया पनीर भुर्जी लाके दे या पनीर मसाला ला दे वो लाके दिया वो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव रेस्टोरेंट का होना चाहिए कि सब्जी में दम होना चाहिए पहला तो जो स्पेसिफिकेशन मांगा है वैसा होना चाहिए दूसरा पॉइंट होता है कि उसका कॉस्ट उसका टाइमिंग जबरदस्त होना चाहिए कॉस्ट भी किफायती होना चाहिए टाइमिंग फास्ट होना चाहिए रेस्टोरेंट में अपन जाते सबसे ज्यादा आपको बुरा क्या लगता है वेट करना भाई तुमने ऑर्डर दे दिया उसके बाद तुम वेट करो बीस बीस मिनट तक तो तुमको क्या आएगा गुस्सा आएगा भले प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन तुमको गुस्सा आएगा तो टाइमिंग का भी ध्यान रखना है उसको डिलीवरी फास्ट होना चाहिए

For most, जो है ना consideration वो क्या रहना चाहिए डिलीवर करने वाले का कि एकदम में जोरदार मतलब स्क्रैच नहीं, नहीं कुछ नहीं पहला तो आएगा ही ना वो ही वाला पॉइंट यहाँ पर भी ड्यूरेशन का भी ध्यान रख वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए उसके अंदर ठीक है सप्लाई गुड्स ऑफ अ गिवन ये तो ठीक है नॉर्मल है ठीक है टाइमिंग मेन ही ऑलमोस्ट भी का सर्विस अब आता है लास्ट नंबर पॉइंट तुमने फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आईफोन खरीदा ठीक है लेकिन आईफोन उसने प्रोडक्ट टाइम पे दे दिया कॉस्ट भी चलो ठीक ठाक था सब कुछ अच्छा था लेकिन जब खराब हुआ सर्विस में दो दो महीने लगा देता है अगली बार तुम खरीदोगे प्रोडक्ट को नहीं खरीदोगे क्योंकि सर्विस नहीं मिल पा रहा है कैसे करेंगे हम लोग तुम लैपटॉप खरीद रहे हो ए के ब्रांड का खरीद लेते हो क्या कोई भी नया ब्रांड आया घुस गए तुम चेक करोगे उसका सर्विस अच्छा होगा कि नहीं होगा तभी तुम उसके अंदर घुसने वाले तो सर्विस वो बोलता है कि जैसा अपन जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्प्ले खराब हो गया

उसमें तो सबसे बड़ा रिसोर्स होता है वो होता है मनी सबसे बड़ा रिसोर्स होता है मनी पैसा क्लियर है तो सबसे आपको यूटिलाइज क्या करना है जैसे फॉर के तौर समझो तुम्हारे पास पैसा बहुत सारा है फिर भी उड़ा देने का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना जरूरी है आप मैक्सिमम उस जगह से कितना बेनिफिट निकाल सको दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई मेरे पास सौ रुपया है मेरे पास एक तरीका है मैंने सौ रुपए का एक बर्गर खा लिया पिज्जा खा लिया पेट भरा ही नहीं आधा ही भरा है दूसरा मेरे पास तरीका है सौ रुपए को मैं दस पार्ट में बांट दो दस रुपए का ये दस रुपए का कुछ दूसरा दस रुपए का कुछ दूसरा तो आप ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइज करो ऑप्टिमम तरीके से चीजों को यूटिलाइज करो वेस्टेज जीरो कर दो जितने या तो मान लो कुछ चीजें जिसमें वेस्टेज आता है बट वन परसेंट के आसपास वेस्टेज निकालो ज्यादा मत निकालो जैसे तुम खाना बनाते हो बोला खाना सर एक डिश बनाने लेकिन हम लोग वेस्टेज दो डिश का निकाल देते हैं तो बेवकूफ कर रहे हो तुम मतलब एक डिश बनाने का इतना सा लेकिन इसके लिए दो डिश जितना वेस्टेज निकाल देते हो तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट क्या हो गया महंगा पड़ जाएगा तो वो चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है कि रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम वे ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज द रिसोर्स फॉर द सेटिस्फेक्शन एफिशियंट एंड एफेक्टिव ठीक है एफिसियंट जो होता है ठीक है एफिशियंट का मतलब हो गया टाइम पे होना जरूरी है और इफेक्टिव का मतलब हो गया कॉस्ट पे होना जरूरी है भैया टाइम भी कम कॉस्ट भी कम दोनों का मतलब समझना जरूरी है अपन को इन एफिशियंट यूज अगर अपन करेंगे तो कस्टमर का अल्टीमेटली सैटिस्फेक्शन लो हो जाएगा वो अगली बार हमारे से प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा और या फिर इवन हो सकता है कि वो आपकी नेगेटिव बात बोलेगा ठीक है ऑपरेशन मैनेजमेंट इज कंसर्ड द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ठीक है कुछ पॉइंट्स लिखे हुए इसके अंदर सिर्फ तुमको ये लिखना है

क्या क्या एक्टिविटीज होती है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर विच आर द एक्टिविटीज इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट फंक्शन सबसे पहला लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज समझना पॉइंट को मैं कार मैन्युफेक्चरर हूं कौन हूं कार मैनुफेक्चर अच्छा तुमको पता है इंडिया और चाइना में क्या फर्क है भारत में चीजें इतनी महंगी क्यों प्रोड्यूस होती है और चाइना में चीजें इतनी सस्ती क्यों प्रोड्यूस होती है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट उंट्स ऑफिस में स्टार्ट आता ही नहीं है मैं बात करता हूं बाद में अभी लाइव ले रहा हूं अकाउंट्स बना के रख दो ठीक है uh, किस पॉइंट पे थे अपन हाँ लोकेशन ऑफ एस चाइना और भारत में बेटा क्या फर्क है चाइना में चीजें इतना सस्ता क्यों पड़ता है और इतना फास्ट क्यों बनता है और भारत में चीजें इतना महंगा क्यों पड़ता है उसका कारण बताता हूँ ठीक है भारत में सबसे बड़ा लोचा ठीक है पहला लोचा ट्रांसपोर्टेशन बहुत बहुत यूज लगता है अपना भारत में प्रॉब्लम क्या पता है अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मारुति का एग्जाम्पल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल उसका एक प्लांट इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल के अंदर टायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर एग्जाम्पल उसका अगर वो उस इनहाउस बनाता है तो वो मान लो तमिलनाडु में उसका फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सीट्स मैनुफेक्चरिंग जो करता है वो बोले आ, हमारा जो है उत्तराखंड में ठीक है थीके? फिर वो बोलता है कि हमारा जो फॉर एग्जाम्पल और क्या होता है बॉडी बॉडी जो बनाना होता है टिन की वो टिन का जो बॉडी है फॉर एग्जाम्पल गुजरात में ठीक है और असेंबल होता है लास्ट में जाके राजस्थान में फाइनली सब असेंबल होता है राजस्थान में जाके मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं कितना टाइम लगेगा इसके अंदर बहुत टाइम लगता है टायर वहां से लेके आओ इंजन यहां से लेके आओ ठीक है और उसके बाद बॉडी को वहां से राजस्थान में जहां पे भी असेंबल करो कॉस्ट हो जाएगा तुम्हारा अपने आप अगर प्रोडक्ट बनाता है टायर बन रहा है तो पूरा शहर का टायर ही बन शहर का से बनाएगा तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एकदम जीरो आ जाता है। मिल जाती है उनको ठीक है तो लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज पहला नंबर पॉइंट होता है कि हर चीज एक जगह अभी तुम्हारे घर में भी होता है रे नॉर्मल है चाय के डब्बे के साथ ही होता है वो जो उसका शक्कर का डब्बा शुगर का डब्बा चाय का डब्बा साथ में ही होता है कभी देखा है तुमने ऐसा बोले चाय का डब्बा इधर है और शुगर का डब्बा उधर है ऐसा दो किलोमीटर दूर थोड़ी होता है यहाँ पे एक है दूसरा भी इसके साथ ही होगा नमक मिर्ची नमक मिर्ची का जो डब्बा है नमक मिर्ची उसके अलावा फॉर एग्जाम्पल और क्या होता है राई जीरा ये जो भी चीज है ठीक है मसाले का डब्बा एक ही होता है ऐसा नहीं कि मसाला नमक इधर है मिर्ची दो किलोमीटर दूर है और राई उधर है तो फिर क्या बार बार इधर भागेंगे अपन ये है लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज एक जगह पे होना है ऑपरेशन मैनेजमेंट चीज सिखाता है तुमको सेकंड नंबर पॉइंट प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपरली प्लांट इसके बारे में वैसे तो डिटेल में बताया ही होगा हाँ बताया चलो इसी पे चलते है ठीक है प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग लेआउट किस टाइप का होना चाहिए देखो अभी फॉर एग्जाम्पल ये लड़किया है अभी फॉर एग्जाम्पल बोर्ड वहां पे बनाऊ फिर ये लिखेंगे कैसे मान लो फीमेल फैकल्टीज है मैंने बोर्ड इतना ऊपर लगवा दिया तभी ऐसे कूद कूद के तो लिखने से रहे तो लेआउट प्रॉपर होना जरूरी है ठीक है अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू द द्लॉज उसका लेआउट उसका मिडिल हैंडलिंग एक एक चीज का प्रॉपरली लेआउट होना चाहिए हर चीज का एक प्रॉपर एक डायमेंशन होना चाहिए इन शॉर्ट समझाएंगे आगे प्रोडक्ट का डिजाइन प्रोडक्ट प्रोसेस का डिजाइन क्वालिटी कंट्रोल ये सब एस्पेक्ट है और यही चीज तुमको तो सिखाया जाएगा पूरे सब्जेक्ट के अंदर सबके लिए पर्टिकुलर चैप्टर्स है इन सबके ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर्स दिए हुए तुमको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ठीक है मेंटेनेंस ई ओ क्यू जो मैं बता रहा था वो सब अलग अलग चैप्टर्स देके रखे हुए क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक चैप्टर दिया हुआ टीक्यू एम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है आईएसओ के स्टैंडर्ड्स है इसके ऊपर तो भैया बहुत वास्ट सब्जेक्ट है इन शॉर्ट मतलब तुम समझ लो गए ओ एम को तुम ढंग से समझ गए इसका मतलब तुम पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझ गए सीएम कोर्स है जिसके अंदर आपको हर एक चीज सिखाई जा रही है आपको कॉस्टिंग सिखाई जाती है आपको अकाउंटिंग सिखाई जाती है ठीक है आपको मैन्युफैक्चरिंग सिखाया जा रहा है आपको एस मैनेज कैसे करना है बिजनेस को ऑपरेशन अलग है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है और मैनेजमेंट अलग है प्लानिंग ऑर्गेनिक स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग वो सब है आपको डीटी सिखाया जा रहा है आई सिखाया जा रहा मतलब कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दे रहा है ताकि बच्चे को एक एक चीज का नॉलेज हो जाए सिर्फ और सिर्फ कभी भी पढ़ाई अपन कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पर्पज के लिए कभी मत करो हमेशा नॉलेज परपज के लिए करो कई बच्चे सी और और में सिर्फ इसलिए करते ताकि नॉलेज मिले करना उनको कुछ भी नहीं है लास्ट में जाके ना जॉब करनी है ना सी का काम करना है ना सी एम का, का काम करना है बट नॉलेज जो इस कोर्सेज में मिलता है वो किसी कोर्स में मिल ही नहीं सकता है गारंटी है ठीक है तो ऑलवेज अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि भाई नॉलेज के हिसाब से पढ़ो ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ लेना कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं है समझना पहला क्या है सबसे पहला तो वेयर टू प्रोड्यूस पे प्रोड्यूस करना हो और सबसे सबसे पहला क्वेश्चन व्हाट टू प्रोड्यूस कोविड है कोरोना है तुम लोग घर में बैठे हो व्हाट टू प्रोड्यूस ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था उस वक्त

हाउ टू प्रोड्यूस कैसे सेलेक्ट किया जाएगा प्रोसेस सेलेक्शन एंड लेआउट प्रोसेस का मतलब समझना दो चीजें होती है पहला नंबर पॉइंट होता है कि भाई लेबर इंटेंसिव है या फिर कैपिटल इंटेंसिव है लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है जिसके अंदर आपको लेबर शक्ति लगती है कारीगर लगता है जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर लेबर इंटेंसिव थोड़ा ज्यादा रहता है कैपिटल इंटेंसिव नहीं मतलब मशीनों के थ्रू काम नहीं होता है यहाँ पे काम होता है ज्यादातर कारीगरों के थ्रू तो लेबर इंटेंसिव है या आपको मशीन के थ्रू मेरे पास बहुत पैसा है पहला नंबर पॉइंट दूसरा नंबर पॉइंट मेरा डिमांड इतना यूज है कि रोज का मेरे को हजार प्रोडक्ट चाहिए रोज का मेरा हजार चाहिए तो लेबर को बैठा क्या तो पैसा डाल मशीने डलवा ठीक है पैसा डाल मशीने डलवा और कैपिटल इंटेंसिव में काम कर प्रोसेस प्रोसेस कौन सा चाहिए तेरे को सेलेक्ट कौन सा करना है उसका लेआउट किस टाइप का होना चाहिए रोज के पांच बिकते मेरे प्रोडक्ट करोड़ों की मशीन डलवाऊ जरूरत नहीं है भाई लेबर को दे दे भले ही सैलरी थोड़ा ज्यादा लेगा

मेरे को वड़ा पाव बनाने का पाव नहीं है मेरे पास वड़ा है मेरे को वड़ा पाव बनाने का पाव नहीं है मेरे पास पाव की शॉर्टेज चल रही है पूरे मार्केट के अंदर मैंने कहा वड़ा पाव बेचूंगा लोग आया ये बोले वड़ा पाव दो मैंने कहा वड़ा है खाने का दोनों साथ में चलते हैं वड़ा पाव दोनों साथ में चलेगा समझ रहे हो तो वो बोलता है कि डू वी योर मेटीरियल टू प्रोड्यूस क्या मेरे पास मटेरियल है क्या प्रोड्यूस करने के लिए पहले चेक करना जरूरी है उसके बाद आता है आर वी प्रोड्यूसिंग राइट थिंग्स क्या हम सही चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या आर वी प्रोड्यूसिंग राइट थिंग्स क्या मैं सही चीज प्रोड्यूस कर रहा हूँ मार्केट को चाहिए पिज्जा एंड आई एम प्रोड्यूसिंग रोटी मार्केट को क्या चाहिए पिज्जा मैं क्या प्रोड्यूस कर रहा हूँ बिकेगा माल ज्यादा नहीं बिकेगा कस्टमर आजकल रोटी रोटी नहीं मांग रहा है रोटी कस्टमर मांगता है सड़ावा रोटी सॉरी पिज्जा ठीक है कस्टमर मांगता है पिज्जा सड़ावा रोटी और क्या खैर सो आर यू प्रोड्यूसिंग भैया जो चाहिए वो बेचो कस्टमर को बीमार पड़ने का कोई बात नहीं बोले तुम बीमार हो हम तुम्हारे साथ है ठीक है जितने भी रेस्टोरेंट चल रहे इसी कंसेप्ट चल रहे हैं जितने भी हॉस्पिटल चल रहे इसी कंसेप्ट चल रहे बोले लोग कचरा खाएंगे कचरा खाएंगे कचरे जैसी बॉडी होगी अल्टीमेटली आएंगे तो हमारे पास ही सारे हॉस्पिटल धड़ल्ले से चल रहे ठीक है सारे फास्ट फूड वाले धड़ल्ले से चल रहे क्योंकि कस्टमर को चाहिए ही कचरा तो बेचो कचरा कोई दिक्कत नहीं है मरने वाला मरना चाहता है अपन मारो क्या दिक्कत है तो वो बोलता है आर यू प्रोड्यूसिंग राइट थिंग भैया प्रॉफिट चाहिए तो राइट थिंग अगर मैं अच्छा आदमी हूँ मैंने कहा ना यार देश का भला होना चाहिए तो मैं अच्छी चीज बेचूंगा ठीक है आर आवर मशीन एबल टू प्रोड्यूस डिज इट समझ मेरी मशीन दिन भर में दो घंटे काम करती है आठ घंटे पड़ी रहती है काम ही नहीं करती तो मेरी मशीन में क्षमता है क्या प्रोड्यूस करने की आंसर इज नो मशीन में क्षमता ही नहीं है ठीक है मशीन में क्षमता नहीं है मशीन के अंदर अगर क्षमता नहीं है तो इसका मतलब आपका प्रोडक्शन कभी भी डिजायर्ड आउटपुट प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएगा ठीक है सौ प्रोडक्ट बनाने की क्षमता है मेरी मशीन की बनाता रोज का दस प्रोडक्ट ही है

बट मेरे को है ना डिस्ट्रीब्यूशन आता ही नहीं सप्लाई चेन नहीं आता मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आता मैंने कहा अरे बिक जाएगा बिक जाएगा कस्टमर आएगा फैक्ट्री पे किसी ना किसी दिन तो ठीक है कस्टमर फैक्ट्री पे आएगा उस दिन बेच दूंगा सारा माल आएगा कस्टमर मुझे जाना पड़ेगा कस्टमर तक मुझे पहुंचना पड़ेगा कस्टमर तक तब कस्टमर ले लेगा वेफर से बालाजी वाला बना बना के थप्पे बना बना के रख देगा बोला आएगा कस्टमर यहाँ पे किसी दिन घूमने तो मेरे यहाँ से लेके जाएगा कस्टमर नहीं आएगा तेरे को कस्टमर तक पहुंचना पड़ेगा इसके लिए तेरे को डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाना पड़ेगा तो वहां तक पहुंचेगा कैसे ऑपरेशन है नेटवर्किंग है पूरी की पूरी जो चैप्टर में सिखाई जाएगी आगे ठीक है तो इन शॉर्ट मेजर डिसीजन इतने सारे इनमें से चार पांच कोई भी लर्न कर लो भाई तो सबसे पहला डिमांड फोरकास्टिंग है प्रोडक्ट सेलेक्शन है वेयर हाउसिंग कहाँ करनी है कैपेसिटी प्लानिंग क्या है एम ये एम दूसरा है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है ठीक है मिनवेंट्री मैनेजमेंट है सप्लायर सेलेक्शन है तेरा न्यूमरस पॉइंट्स विच वी नीड टू थिंक, ठीक है तो ये सारे सारे जमेंट के आंसर लगा के ला कर देता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन ठीक है कैरेक्टरिस्टिक उसके क्या क्या होते हैं तो वो बोलता है 1.2 टॉपिक है द प्रोडक्शन मैनेजमेंट Be देखो कुछ लोग माल बनाने में सक्षम होते हैं तो तो कुछ लोग माल बेचने में सक्षम होते हैं। फर्क है? कुछ लोग माल बनाने में सक्षम होते हैं और कुछ लोग माल बेचने में मतलब गुड्स को बेचने में सक्षम होते हैं बोट ठीक है बोट आज नाम है वो तो बताओ किस में सक्षम है माल बनाने में या माल बेचने में बेचने में माल बनाना आता नहीं है बोट को पूरा का पूरा बोट का जो माल है वो चाइना से इम्पोर्ट होता है चाइना में कोई लोकल मैन्युफैक्चर उसको बना रहा है बोट सिर्फ अपना ऐसा नाम चिपका था बोट बेचा उसको माल बेचना आता है उसको मार्केटिंग करना आता है ठीक है कुछ लोग होते हैं माल बनाने में सक्षम कुछ लोग होते हैं माल बेचने में सक्षम तो आपको पहले तो ये चेक करना है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग पावरफुल है कि नहीं है क्या मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास दम है कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है हमारे पास आंसर इज कुछ लोग जैसे मैंने कहा इन द पास्ट इन द पास्ट प्रोडक्शन वॉज कंसिडर टू बी लाइक एनी अदर फंक्शन पहले के जमाने में प्रोडक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होता है मतलब बोटल अगर बना मैं बेच रहा हूं पहले के जमाने में क्या होता था कि बोटल मैनुफैक्चर भी मैं ही हूं लेकिन आज ऐसा नहीं है आज के समय में चलता है स्पेशलाइजेशन आज के समय में बॉटल कोई और बनाएगा मैं मेरा नाम चिपकाऊंगा सेलो बेच दूंगा मार्केट में देट मीन मैनुफेक्चरिंग समी सब नहीं, खुद नहीं बनाता वो ज्यादातर कंपनी लैपटॉप खुद बनाती ही नहीं है वो सिर्फ नाम चिपकाती है अपना डेल नाम चिपका दिया ठीक है कोई और ही बना रहा है क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग पावरफुल है बट उनको बेचना नहीं आता है आईफोन की बात कर लू आईफोन सिर्फ आर एन डी करता है बनाता कोई और आर एन डी करता है सिर्फ और माल बेचना आता है आर एन डी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो करता है बनाएगा कोई और ही बनाता है उसका सारा माल कोई और बनाता है तो ये चीज को समझना जरूरी है पहला का समय अलग था आज का समय अलग है चलो फिर भी तुम लोग प्रोडक्शन बनाते हो चलो तुम कर रहे हो प्रोडक्शन तो को डालो ये पूरा है, है इसका पर्टिकुलरली लास्ट में टाइम बेस्ड कॉम्पिटिशन बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग जिसको बीपीआर बोला जाता है जस्ट इन टाइम अप्रोच फोकस्ड फैक्ट्री फ्लेक्सिबल मैन्यूफेक्चरिंग सिस्टम ठीक है इन पर्टिकुलर चैप्टर्स अभी सिर्फ ये ये समझ लो कि ये कुछ पॉइंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग के वक्त क्वालिटी मैनेजमेंट है क्वालिटी दमदार सबसे जबरदस्त होना चाहिए क्योंकि टाइम बेस्ड कंपटीशन चेक करने का मार्केट में अपना कौन सा है इस समय का पर्टिकुलर पुराना कंपनी से मेरे कुछ काम का नहीं है दस साल पहले किंग था मेरे कुछ काम करनी का है आज का किंग कौन है मार्केट के अंदर वो चेक करो बीपीआर री इंजीनियरिंग आता है बिजनेस प्रोसेस री का मतलब क्या होता है एग्जाम्पल हो हो दे दे तुमको फॉर एग्जाम्पल डब्बा टीवी बनाता टीवी चलेगा मार्केट के अंदर आज बट मेरे पास मशीन ही हुई है तो मुझे क्या करना चाहिए मशीनों को चेंज करना चाहिए और जो फ्लैट टीवी बना सके वो ला रखनी चाहिए क्योंकि तो मार्केट की डिमांड वो है ठीक है मार्केट जो चाहता है अगर मैं वो बेचूंगा तो मेरे पास खूब सारा पैसा आता है क्या बोला मार्केट जो चाहता है अगर मैं वो सारी चीजें बेचूंगा तो मेरे पास खूब सारा पैसा आता है वही है बिजनेस प्रोसेस चेंज इमीडिएटली भाई तेरा अगर डब्बा टीवी बंद हो रहा है कस्टमर का डिमांड खत्म हो रहा है हटा उसको नया प्रोसेस ला कोडक कोडक कंपनी फेल होने का कारण क्या था भाई साहब उसी कैमरा में रह गया रील वाले में डिजिटल कैमरा उसको समझ ही नहीं आया कि डिजिटल कैमरा पूरा मार्केट खा जाएगा नोकिया किंग था मार्केट का किंग था Samsung और स्मार्टफोन पूरा मार्केट खा गया उसका क्योंकि उसको समझ ही नहीं आया कि भाई साहब ये जमाना जाने वाला है और नया जमाना आने वाला है एंड्रॉइड का उस समय उसको बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर कर देना था मतलब चेंजेस कर देते ना अपने पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस दैट इज री इंजीनियरिंग टॉपिक आएगा पूरा तब समझाएंगे जी भैया जस्ट इन टाइम अप्रोच क्या कहता है पता है जस्ट इन टाइम अप्रोच कहता है जब जरूरत है ना तभी लाके रखने का जब जरूरत है तभी लाके रखने का एग्जाम्पल समझो तुम लोग फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वड़ा पाव है वड़ा पाव को रखते अपन वड़ा पाव के जो पाव है मैंने सस्ते के चक्कर में हजार पाव ला रख दिया मेरे दिन के सौ पाव भी बिकते हैं मैंने सस्ता सस्ता मिलेगा बोले हजार पाव खरीदेगा एकदम सस्ता मिलेगा मेरे को मैंने लेके सो हजार पाव ला रख दिए दिन का बिकता सौ पाव ही है सही किया कि गलत किया अरे प्रोडक्शन पर यूनिट तो बहुत सस्ता आया मेरे को बहुत सस्ता पड़ा मेरे को मतलब जो एक रुपये का रहा मेरे को पचास पैसे में मिला बोलो पाओ और क्या चाहिए तुमको लाइफ में सस्ता कर दिया मैंने देखो कंप्यूटर एडवांटेज है मेरे पास कॉस्ट इफेक्टिव फायदा मिला क्योंकि बेटा वो पचास पैसा भी तेरा वेस्ट हो जाएगा क्योंकि कल परसों के बाद वो पाव सड़ जाएंगे सड़ गए कस्टमर खाएगा नहीं खाएगा और बीमार पड़ गया तो तेरे को गाली और दे जाएगा बिजनेस बंद करा के जाएगा तो सस्ते के चक्कर में मत मर कि वो फॉर एग्जाम्पल वो सड़ा पाओ खिला रहा है ठीक है कभी भी जस्ट इन टाइम अप्रोच तब काम करता है देखो कुछ चीजें होती है जो जस्ट इन टाइम में फोकस नहीं होती है बॉटल बना के रखनी है जस्ट इन टाइम ज्यादा नहीं लगेगा इसमें क्योंकि बॉटल बना के रख लो जब रॉ ब्रॉमिटियल सस्ता है तब बना लो लेकिन ज्यादा मत बना के रखो नहीं तो इन्वेंट्री के थप्पे लग जाएंगे पूरा कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा तेरा उधर ही वर्किंग कैपिटल जो ब्लॉक हो जाएगा जस्ट इन टाइम कहता है जब जरूरत है तभी बनाओ चाय पांच घंटे पहले बना के रखते हैं मेहमान आते तभी बनाते पहले बना के रख देने का सुबह का सुबह फिर गर्म करके दे देने का नहीं करना चाहिए जस्ट इन टाइम तो जस्ट इन टाइम अप्रोच आगे वही सिखाएगा कि उससे बहुत पर यूनिट प्रोडक्शन एक्चुअली सस्ता पड़ेगा तुमको वेस्टेज जीरो हो जाता है ना उससे इसलिए भाई दस पाव की अगर डिमांड आने वाली है पहले से बताया तुमको ग्यारह ही मंगाओ ज्यादा मंगाओ मत वेस्टेज होगा नहीं तो प्रोडक्ट तो देखो लंबा कॉस्ट लगेगा ठीक है बहुत सारी चीजें इन शॉर्ट बाद में समझना इसको सर्विस ओरिएंटेशन ठीक है एज वाज स्टेटेड अर्लियर सर्विस सेक्टर इज गेनिंग ग्रेटर रेलिवेंस इज बिल्कुल सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा रेलेवेंस ले रहा है इस, इस समय में आप लोगों को सर्विस जो है वो जबरदस्त देनी जरूरी है मार्केट के अंदर जियो देवता ठीक है जियो देवता है अगर वो तुमको इंटरनेट नहीं दिलवा सका अच्छा तो 5G लॉन्च करने का बेनिफिट मिलेगा सर हम 5G लाए सर हम 5G लाए लेकिन स्पीड हमारी 2G की है बोलो खरीदोगे तुम 5G है सर्विस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड सर्विस कस्टमर पैसा देने तैयार है सर्विस चाहिए उसको तो वही चीज है the entire manufacturing needs to be geared to serve intangible perishable nature of services constant interaction with the clients or customers A small volume of production to serve the local markets मैंने क्या बोला ज्यादा बेचने से मतलब नहीं है अच्छा बेचने से मतलब है ठीक है आप क्वालिटी पे फोकस करोगे कस्टमर अपने आप आएगा क्यू में खड़ा रह के रहेगा तेरे पास क्यू में खड़ा रहेगा मुझे चाहिए ही चाहिए मैं अच्छी कोचिंग दूंगा अपने आप कस्टमर आएगा मेरे पास अपने आप मेरी माउथ मार्केटिंग होगी इफ आई विल गिव यू बेटर एजुकेशन तो मेरी मार्केटिंग अपने आप होगी भले ही मैं फिर कितना कितना भी भी फॉर फॉर तुमको तुमको डिले हो हो रहा एडमिशन प्रोसेस में डिले हो रहा होगा लेकिन फिर भी तुम लोगे कस्टमर सर्विस इंपॉर्टेंट है कभी भी कस्टमर सर्विस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और आज का समय वही है अगर आप लोगों को बोलता है देखो प्रोडक्शन बना के मत रखो मैं पहले पहले पता है क्या होता था पुराने जमाने की बात करें तो वहां पे लेबर लोगों को अरे माल बना रहे फटाफट माल बना लेकिन आज चाहिए आपको चाहिए टेक्निकल आदमी उस पर्टिकुलर चीज का जिसको नॉलेज उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर उसी को लाओ पगार ज्यादा लेगा लेकिन वो तेरे को फायदा करा के देगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसको केक बनाना नहीं आता है बट मैंने कहा इसको ट्रेन कर दूंगा सस्ता कारीगर मिल जाएगा मैंने कहा मैंने कहा ट्रेन कर दूंगा बना देगा जयरा सूरत में थोड़ा बहुत खराब बनाएगा और क्या बिक जाएगा लेकिन धीरे धीरे ये सीख गया लेकिन तब तक मेरा कस्टमर सर्विस खराब हो गया कस्टमर अरे यार अच्छा नहीं था अच्छा नहीं था मेरे को क्या करना चाहिए भले ही ज्यादा कम ले रहा है इसके बजाय दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा ले रहा है लेकिन उसका एक्सपर्टीज उसी फील्ड के अंदर उसी को लाओ बोले इसका एक्सपर्टीज मिलेगा मेरे को इससे फायदा मिलेगा डबल सैलरी ले रहा है ले उसको टेक्निकल आदमी है वो तेरा कस्टमर का रेवेन्यू डबल हो जाएगा ठीक है तो वही चीज यहाँ पर है

तो वही चीज है प्रोफेशनल को लाओ कहीं पे भी ठीक है कंप्यूटर इंजीनियर है उसको ला कंप्यूटर बनाने रिपेयर करने का रहे, सर ये सीखा हुआ बार भी पढ़ा लेकिन इसने सीख लिया पूरा भाई वो तेरा प्रोडक्ट बिगाड़ देगा बेटर क्या है प्रोफेशनल को लाओ कंप्यूटर इंजीनियर को ला इसी के अंदर जो बरोबर उसको जो नॉलेज मिला हुआ है बस वही है और कुछ नहीं है डिसअपियरेंस ऑफ द स्मोक स्टैक्स ठीक है डिसअपियरेंस ऑफ द स्मोक स्टैक्स प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन एनवायरमेंटल मूवमेंट ग्रेजुअल इमर्जेंस ऑफ नॉलेज बेस्ड हैव ब्रॉड टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द प्रोडक्शन सिस्टम अरे भैया मतलब क्या है रे इसका इसका सिंपल सा मतलब है आप लोग कभी भी कहीं पे भी जाते हो आज के समय में लीगल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है आपको लॉ के एक्सपर्ट की जरूरत है मैंने फैक्ट्री खोल दिया कानून को तोड़ तोड़ फोड़ के कानून की धजिया उड़ा दी फैक्ट्री खोल दिया रेसिडेंशियल में मैंने पूरे पूरे रेसिडेंसियल एरिया है मैंने यहाँ पे फैक्ट्री खोला जहां पे धुआं ही धुआं निकलता है कुछ दिनों में सरकार आएगी बंद करके चली जाएगी मैंने दो करोड़ लगाए थे पूरे के पूरे साफ हो जाएंगे मेरे क्योंकि तुमने कानून को तोड़ा है पुराना जमाना अलग था भारत जहां पे लोग पैसा दे के निकल लेते थे और चलता रहता था वैसा का वैसा आज के समय में ऐसा पॉसिबल नहीं है अब सरकार डंडा मार देती है अब सरकार आज के समय में तुम्हारी सुनने वाली नहीं डंडा मार देगी तुमको तुरंत ही

मतलब वाटर के प्रति इतना जागरूक थे आर ओ आर ओ आजकल कोई भी इंसान आर ओ बगैर पानी नहीं पी रहा है ठीक है पहले के जमाने में देखा था लोग एनवायरमेंट एनवायरमेंटल फ्रेंड अभी क्या हो गया दो चार नारे बहुत जबरदस्त चलते जब जब हैं नारे नहीं मतलब वो सच्चाई भी है सत्य भी अच्छी बात भी है ठीक है जैसे एक हो गया हमारे यहाँ पे स्वर हम इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं इको फ्रेंडली वर्ड कुछ सालों में ज्यादा डेवलप नहीं हुआ पहले के जमाने में तो चीजें चलती थी लेकिन तब लोग इको फ्रेंडली इको फ्रेंडली की वो गुणगान नहीं करते थे लेकिन आज नहीं इको फ्रेंडली है ये जो है ना ये लैपटॉप बनाते वो कंपनी तक बोलती है हम लोग ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ग्रीन एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं मार्केट के अंदर ताकि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो क्योंकि उनको बताना जरूरी है क्योंकि उनको लगता है कि कस्टमर को वो सुनने में अच्छा लगता है कौन सा कस्टमर देखने गया है और सुनने में अच्छा लगता है हमने इको फ्रेंडली तरीके से बनाया तो बहुत क्योंकि उसके पीछे सरकार भी जागरूक है थोड़ी आजकल आप प्लास्टिक की पन्नी आजकल आपको माइक्रोन जो बोला होते हैं माइक्रोन का चाहिए सरकार नहीं तो आपके ऊपर वो क्या कहते हैं पेनल्टीज लगाती है तो वही चीज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली डिजाइन करो फैक्ट्री का आजकल के समय में जो अपने क्या बोलते हैं लेबरर्स हैं उनके लिए प्रॉपर एनवायरमेंट होना जरूरी है गर्मी वाला वातावरण तो फैक्ट्री से बोलता है भाई ऐसा नहीं चलेगा लगा इधर ए इतना गर्मी नहीं चलने वाला है लेबर के प्रति जागरूक होना जरूरी है आज के समय में और आने वाला समय अमेरिका की तरफ भारत प्रोसीड कर रहा है धीरे धीरे अमेरिका के अंदर जो लॉस चलते थे वो भारत के अंदर धीरे धीरे आने वाले हैं तो वो यही चीज बोल रहा है मतलब फॉर एग्जाम्पल गोइंग टू ए फैक्ट्री एवरीडे इज नो मोर एक्सक्रूसिएटिंग एक्सपीरियंस इट इज लाइक ए एट ए सीनिक स्पॉट गूगल का हेडक्वार्ट देखे तुमने कितने जबरदस्त हेडक्वार्टर बनाए और इंडिया के प्लांट्स देखे तुमने इंडिया के प्लांट्स देखो एक बार इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग जगह पे इतना गंदे होते हैं अब तो धीरे धीरे थोड़ा सुधार रहे हैं हैं वो लोग ताकि लेबरर्स जो आ रहे रहे जा उनको लगे यार एम्प्लॉय में काम करनी है ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट हो तुम अगर तुम यहां पे आ रहे हो तुमको ऐसा लगता है अरे यार आज फिर पढ़ना पड़ेगा तो फिर तुम्हारे ऊपर एक तरह उस कहते हैं ना हथौड़ा मार दिया और यही अगर तुम्हें आज मजा आएगा कुछ नया सीखने को मिलेगा आज पढ़ेंगे ठीक yeah, like like तो like है यहाँ पर भी कि वो बोलता है कि आजकल के समय में आपको अपनी फैक्ट्रीज को अपने को करना ताकि वहां पर एक फीलिंग आए अच्छा ठीक है लेबर लॉज ये जो सबसे मेन है लेबर लेजिस्लेशन आजकल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं लेबर जमाने की, जमाने की बात करें तो सबसे पहली बात आज और पुराने में ये फर्क आ गया सबसे बड़ा पुराने जमाने में घर बड़े बड़े होते थे फैमिलीज बड़ी बड़ी होती थी ठीक है पर अब क्या हो गए घर भी छोटे छोटे हो गए फैमिली भी छोटी छोटी हो गए ठीक है स्मॉल इज ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है आप लार्जर स्केल पे भले ही को मत बनाओ स्मॉल लेवल पे काम करो लेकिन उसको ब्यूटीफुल तरीके से करो ठीक है देखो कम जगह में भी ना अगर अपन अच्छा डिजाइन बना सकते हैं तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या होता है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल अपोज टू जायंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज स्पेशलाइजेशन धीरे धीरे जो एम्प्लॉइज होते जा रहे हैं जो मतलब जो वर्कर्स है एम्प्लॉइज है वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन आजकल के समय में प्रेफर नहीं कर रहे वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा प्रेफर करते हैं वो बोलते हैं सैलरी दोनों जगह सेम है यहाँ पे भी सेम सैलरी है वहाँ पे भी सेम सैलरी है यहाँ का वर्किंग एनवायरमेंट मेरे को जमता है तो वर्किंग एनवायरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट भले वो छोटी जगह है चलेगा स्पेशलाइजेशन लाना जरूरी है जरूरी नहीं कि आपको बड़ा बनना जरूरी है आपको स्पेशलाइजेशन लाना जरूरी है स्पेशलाइजेशन तो ये पॉइंट आता है कि आप लोग जैसे रीजनल वर्क स्पेस हो गया लो, आ, लोकल लेबर हो गया फॉर स्मॉल ऑल ओवर द वर्ल्ड डिड नॉट बिलीव इन ये पहले ये पहले की बात है आजकल नहीं है आजकल नहीं है आजकल क्या हो गया जो स्पेशलाइजेशन फील्ड में है वो स्मॉल को प्रीफर करेगा रिलायंस हो गया अडानी हो गए वो लार्ज को प्रीफर करेगा डिपेंडिंग अपॉन द कंपनीज कंपनी ठीक है तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती है पर्टिकुलरली उसके बाद कुछ रिस ट्रेंड्स है जो आज नहीं पढ़ेंगे आज के लिए इतना ही काफी रखेंगे ठीक है और ये अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है कुछ है नहीं और यहाँ पे आपका हो जाता है चैप्टर नंबर समाप्त कल ठीक है से कुछ आए नए नए डेवलप हुए अभी अभी में तो आज के लिए इतना काफी है आई होप आपको आज का ये लेक्चर पूरी तरह से समझ आया होगा आई होप कि जो जो मैंने पॉइंट्स बोले थे उसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं होगा इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क अस आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग हमको जो है वो व्हाट्सएप कर सकते हैं कोई भी डाउट होता है तो ठीक है वी विल ट्राई कि हम अगले लेक्चर जो हमारा है उसके अंदर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे थैंक यू वेरी मच टाटा बाय बाय